रात के 4 बज रहे हैं। घर के सामने की सीन कुछ ये है, जैसा कि आप देख सकते होंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ कैफ़े मुताबिर या फिर दुनिया। वेलकम आप लोगों का एक नए व्लॉग में। तो जो थंबनेल पर आप लोग देख कर आए हैं, बात उसी पर होने वाली है, यूट्यूब के पावर के ऊपर। ठीक है, तो आपके सामने बंदा खड़ा है, ठीक है, यूट्यूब मैं यूज़ करता ही हूँ, तो उस पर मैं बताऊँगा कि मेरी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए हैं यूट्यूब के आने के बाद। बने रहें। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मैं आपकी वीडियो देख के डीमोटिवेट हो जाता हूँ, तो मैंने कहा यार ऐसी बात है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये वीडियो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी लाइफ के बारे में बताया जाए कि यूट्यूब आने के बाद से मेरी ज़िंदगी कैसी है और यूट्यूब से पहले से मैं कैसा था। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, यूट्यूब से पहले मैं भी आम हुआ करता था, अभी भी आम हूँ, लेकिन आम से थोड़ा सा फ़र्क हुआ है, बस 2% का फ़र्क हुआ है, बस उस कैटेगरी में चला गया। जैसे कि इंस्टा की बात करूँ, तो पहले इंस्टा पे सीन ये था कि कोई पूछने वाला नहीं था, तो वहाँ पे बोरियत बहुत होती थी, मैं वहाँ उसको चलाता ही नहीं था। तब फेसबुक वगैरह मैं यूज़ करता था किसी ज़माने में, लेकिन जब से यूट्यूब आया तो फ़ायदा ये हुआ है कि वहाँ पर यार बहुत सारे मैसेज आते हैं और मैं लोगों के जवाब देता हूँ, और तो काफ़ी अच्छा लगता है और अपने आप को थोड़ा सा कुछ अलग फील होता है, समझ रहे हो ना। और जब पहले क्या था कि लोग कैफ करके बुलाते थे, बात करते थे, अब कैफ भाई करके बात करते हैं। तो ये जो भाई का एक वो क्या कहते हैं खिताब मिला, जो भी कह लो आप, जो भी मिला है वो वर्ड नहीं याद आ रहा है कि इस पे सेट कौन सा होगा, ठीक है। तो वो जो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, मुझसे बड़ी बड़ी उम्र वाले लोग मुझसे कहते हैं कैफ भाई करके बात करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लस इनकम की बात कर लें तो पैसा तो बन ही रहा है भाई, साइड इनकम आ रही है, बस अभी उतना नहीं बन रहा, लेकिन इतना है कि यहाँ अच्छा खासा बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना बन रहा है बेहतर बन रहा है, क्योंकि इसमें जा क्या रहा है, बस वही करना है कि आपको अपनी MB को सही जगह यूज़ करना है, गलत जगह यूज़ नहीं करना है। अपने कुछ जो रील्स आप देखते रहते हैं उसमें से बस आपको 1 घंटा निकालना है, सिर्फ 1 घंटा, ज़्यादा नहीं। रील्स देखने में जो आप बर्बाद करते हैं 3-3, 4-4 घंटे, उसमें से 1 घंटा निकाल के यूट्यूब को दे दो आप, फिर आप देखो आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। और आपको बस करना ये है, आप कोई भी टॉपिक चूज़ करो, उसको लगातार डालो, और ये सोच लो कि 100 वीडियो डालनी है, उससे पहले मुझे व्यूज़ नहीं देखनी कि व्यूज़ आ रही है नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं सोचना है आपको, बस लगातार 100 वीडियो डालते रहना है। अगर आप इतना करोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी नसीब होगी, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। एक बार चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके बाद फिर आपको और चस्का चढ़ेगा, पैसा आएगा, फिर आप उस पैसे को थोड़ा सा यूट्यूब में लगाओगे और चीज़ों को अच्छा करोगे। और आप लोग कहोगे यार एक माइक तो आप लिए नहीं, इतना लंबा लंबा छोड़ रहे हो, भाई मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है, 10,100 कुछ का डिस्काउंट के साथ मुझे मिला है बोया का, जब आएगा तो उसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये सब सीन है, ज़्यादा कुछ दूसरे टॉपिक पर चला गया। तो कहना यही है कि हार नहीं माननी है आपको, आप आखिर कर ही क्या रहे हो, मोबाइल से वक्त बर्बाद कर रहे हो। तो करना यही है भाई कि मोहब्बत से कोई भी टॉपिक चूज़ करो, उस पर 1 घंटा निकाल कर चाहे जो करो आप, जरूरी नहीं आप व्लॉगिंग शुरू कर दो, रिएक्शन दे सकते हो आप, अच्छी चीज़ें अपलोड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें अपलोड कर सकते हो, अनबॉक्सिंग कर सकते हो, कुछ भी करो भाई, लेकिन बस करो अच्छी चीज़ें, करो गलत कामों के चक्कर में मत पड़ना। तो यही है कि यूट्यूब को भी सही तरह से अगर यूज़ करोगे तो आप काफ़ी बेहतर इनकम कर सकते हो। और अभी आप लोग कह रहे हो यार 6,000 सब्सक्राइबर लेके उछल रहे हो और एक बार पेमेंट के आगे इतना डीलिंग मार रहे हो, तो भाई मुझसे पूछो, पहले कुछ नहीं था, अब इतना हुआ है, इंशाल्लाह आगे और बहुत कुछ होगा, ठीक है। जो थंबनेल में अपने गाड़ी देखी है अभी नहीं है, इंशाल्लाह फ्यूचर में होगी, उससे तगड़ी होगी। मेहनत करते रहना है, रुकना नहीं है। तो यही कुछ था जो बताना था कि यार अच्छा बड़ा लगता है, अब कहीं जाता हूँ मैं तो लोग मिलते हैं, मिलने लगे हैं लोग। जैसे कि मान लो मैं पिछले 3-4 बार से कहीं गया हूँ तो वहाँ पे एक बंदे मुझे मिल गए हैं, लोग खुद आके मुझसे कहते हैं भाई मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आप ये हो ना, तो यार कुछ अलग सा फील होता है कि भाई बाहर की कंट्री में, इंडिया में नहीं हूँ, कतर में मैं हूँ, कतर में लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मुझे जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ, समझ रहे हो आप। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात होगी जब आप ऐसी कोई चीज़ करोगे, बेहतर चीज़ करोगे, ठीक है। टिकटॉक पे आके नाचने से कुछ नहीं होगा, यूट्यूब पे आओ, अच्छी चीज़ों में आओ। सोच लो कि बहुतों का ख्वाब होता है कि वो क्या कहते हैं, उनके वालदैन उनके नाम से जाने जाएं। अभी तक क्या होता है कि ये है इरफान साहब का लड़का कैफ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे अब्बू जो हैं वो मेरे नाम से जाने जाएँ, ये है कैफ साहब के अब्बा इरफान साहब, इस तरह से समझ सकते हो। तो वो वाली चीज़ एक बार हो जाए आ रहा है, फिर तो मज़ा ही मज़ा है। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि आज कुछ चल के आप लोगों से अपने दिल की बातें शेयर की जाएं। वैसे ख़ास ये तो बैठ के बात की करनी चाहिए, लेकिन मैंने कहा हट क्या यार, ये तो बातचीत करनी है, ऐसे ही चलेगी। तो अभी मैं मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ, ठीक है,
और फजर की अज़ान होने वाली है, तो मैं सोचा कि इसी के पीछे चलो। सन्नाटी जगह है जहाँ पे मैं इंट्रो दिया हूँ, वहाँ पे यार बार बार गाड़ियाँ आ रही थी, रेस्टोरेंट था तो अच्छा ही लग रहा था, तो ये सबसे बेस्ट जगह लगी है। तो भाई करना यही है यार, हाथ दर्द होता है यार मेरा, रुको मैं इससे पकड़ रहा हूँ। हाँ आप सही है, तो करना यही है, आपको हार नहीं माननी है, लगातार 100 वीडियो अपलोड करनी है, उसके बाद फिर आके आपको मुझसे सलाम कर लेना एक बार। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप सही कह रहे थे, चल मोनेटाइज हो गया। तो बस यही कुछ है कि यार एक बार मेरे कहने पे आप यूट्यूब को बनाओ और उस पर कोई अच्छा सा टॉपिक चूज़ करो और लगातार उसी में लगे रहो। बस आपको खिचड़ी नहीं बनाना है कि आज इस पर कल उस पर कल उस पर ना, 100 वीडियो किसी एक टॉपिक पर डाल दो, फिर मुझसे आके गुआ सलाम दुआ कर लो, ठीक है? तो बस ये कुछ थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नेटवर्क साथ। अस्सलाम वालेकुम।